दोस्तों ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए होगी, इसलिए कृपया इसे दिल पर ना लें, केवल आपके मनोरंजन के लिए ही देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर टेबल पर किसी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं पड़ा दिखाई देता। यहाँ पर टेबल बिल्कुल साफ पड़ा दिखाई देता है, पर जैसे ही कैमरे सीन को जूम मार के दिखाता है तब यहाँ पर तो भाई टेबल पर पेपर पड़ा दिखाई देता है जो कि पहले यहाँ पर नहीं था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर जब कैमरा आगे की तरफ है और सभी लोग आगे की तरफ देखकर डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस लड़की को क्या तकलीफ है, ये क्यों पीछे देख देख कर डांस कर रही है? क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, जा पूछ क्या। दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर हनी सिंह कहते हैं कि डर्टी गानों की उन्होंने पाठशाला खोल कर रखी है। डर्टी गानों की मैंने खोली पाठशाला। परंतु दोस्तों अगर आप ध्यान से इस बुक को देखें तो यहाँ पर इस बुक पर डर्टी गाने कम, फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूले ज्यादा दिखाई देते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। दोस्तों यहाँ पर मैं इस भाई साहब से हैरान हूँ, ये भाई साहब बुक को बिल्कुल आंखों के पास रखकर पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये भाई साहब इतनी नजदीक से बुक को कैसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो फिजिक्स में पढ़ा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक मुझे लगता है ये बुक 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो नहीं है, फिर ये भाई साहब इस बुक को पढ़ कैसे पा रहे हैं? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यहाँ पर जो पहले बेंच पर भाई साहब बैठे हैं, ये बुक का अभी तक फ्रंट पेज ही पढ़ रहे हैं। ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार तेरी। यहाँ पर जो हनी सिंह भाई साहब कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे मोड़े पंखे, मोड़े पंखे। परंतु दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर तो पंखे पहले से ही मुड़े होते हैं, ये भाई साहब तो खाली इन पंखों को घुमा रहे होते हैं। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? भाई साहब ये डांस के कैसे स्टेप्स हैं? ऐसा डांस तो टोनी कक्कर के बूटी शेक गाने में भी नहीं हुआ था। बेबी तेरी बूटी 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 शेक। अरे बेटा मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम तो पागल औरत। म्यूजिक दो। तो यहाँ पर जब सभी लोग को फ्रंट में कैमरे की तरफ देखकर डांस कर रहे हैं, तो इन भाई साहब को क्या तकलीफ है, ये क्यों लेफ्ट साइड में देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं? क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों मैं तो एक बात से हैरान हूँ, यहाँ पर ये सब देखकर सॉन्ग में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये सब ही करना होता है तो फिर इन छोटे छोटे बच्चों को सॉन्ग में क्यों लेते हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। दो तो इस सीन में मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर योजो हनी सिंह की पाठशाला में ये कॉमर्स की बुक्स क्या कर रही हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।